बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना SOC 101 का लेक्चर नंबर 21 करेंगे। लेक्चर नंबर 21 में आज हम लोग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। आज का जो लेक्चर है ना वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि आज के जो लेक्चर का जो हैंड आउट में है ना वो ज़रा बहुत ज़्यादा लेंथी लिखा हुआ था, और उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी, क्योंकि मैंने आप लोगों को वीडियो के एंड में हैंड आउट में से बतानी होती हैं, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि इधर PPTs में मौजूद नहीं थी, तो इस वजह से आपका जो लेक्चर है ना वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, खैर आप लोगों ने वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के हिसाब से जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि पिछले कोर्स की जो प्लेलिस्ट मौजूद है वहाँ पे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लेक्चर उसमें मौजूद हैं, आप लोग वो वाली पूरी सीरीज़ देखें। आप लोगों को यकीन जाने इतने ज़्यादा आप लोगों के अच्छे आप लोगों के कंसेप्ट बिल्ड हो जाएंगे ना। जैसे वो ये है कि उनमें जो टॉपिक्स हैं ना वो हैं आगे पीछे, लेकिन ज़्यादातर टॉपिक सेम ही हैं। वो जैसे जैसे आप लोग सुनेंगे आप लोगों को खुद ही पता चलता जाएगा। उधर जो लेक्चर नंबर 19 में जो कंटेंट है और इधर के जो लेक्चर नंबर 19 में कंटेंट है वो सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो लेक्चर नंबर 19 में जो कंटेंट है वो अगले लेक्चर्स में मौजूद है। मतलब उन्होंने लेक्चर्स को आगे पीछे कर दिया है। मेन आप लोगों का SOC 101 में क्या होता है कि आप लोगों ने कंसेप्ट बिल्ड करना होता है। ठीक है, तो जितना चाहे आप लोग ज़्यादा लेक्चर लें उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर है। तो हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी सोसाइटी किस तरह से अपनी एक सोसाइटी के अंदर हायरार्कियल लेयर्स बना देती है, जिसको हम लोग स्ट्रैटा भी बोलते हैं। यानी कि लोगों की पावर की बेस पे, वेल्थ की बेस पे, स्टेटस की बेस पे हम सोसाइटी में जो इनइक्वालिटीज़ बना देते हैं, एक डिस्क्रिमिनेशन करते हैं हम लोग लोगों के दरमियान, उसको हम लोग सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। यानी कि होता है ना कि अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, कास्ट सिस्टम की बेसिस पे भी हम लोग जो लोगों के दरमियान में जो डिफरेंसेस करते हैं वो सारी की सारी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होती है। एक हायरार्की बनाना, यूं समझें कि हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं इस तरह से एक सोसाइटी को। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ये एक यूनिवर्सल चीज़ है। यूनिवर्सल का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में हर जगह पाई जाती है। इंसानों की जितनी भी सोसाइटीज़ हैं शुरू से लेकर अब तक, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हमेशा रही है। हाँ, ये है कि इसकी फॉर्म्स डिफरेंट होती हैं कुछ। मतलब पहले ये होता था कि सिर्फ कास्ट सिस्टम हुआ करती थी, ये अपर मिडिल लोअर ये वाली क्लासेस, ये जो स्टेटस होता है ना ये नहीं हुआ करता था। लेकिन आजकल की जो मॉडर्न सोसाइटीज़ है वहाँ पे देखें, वहाँ पे स्टेटस देखा जाता है इंसान का। तो इस तरह से स्ट्रैटिफिकेशन मुख्तलिफ तरह से होती थी। क्या क्या किस किस्म की जो है वो स्ट्रैटिफिकेशन होती है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, वो हम लोग मज़ीद आगे हम पढ़ते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का किसी भी इंसान की लाइफ चांसेस के ऊपर, अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, और ये उनकी एजुकेशन तक एक्सेस को भी अफेक्ट करती है, हेल्थ केयर को भी अफेक्ट करती है, एम्प्लॉयमेंट को भी अफेक्ट करती है, और जो दूसरी चीज़ें होती हैं। जैसे अब फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, आप हमें ये बताएं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एजुकेशन को कैसे अफेक्ट करती है, तो आप उसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में अगर आप लोग खुद देखें तो ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ही होती है कि एक हाई अपर क्लास का जो एक बच्चा होता है वो महंगी से महंगी तालीम भी हासिल कर सकता है, लेकिन जो लोअर क्लास का जो बच्चा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा गुरबत में रह रहे होते हैं, उनके पास इतनी एक्सेस नहीं होती, उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती कि वो एजुकेशन को हासिल कर सकें। तो ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ही होती है। इसकी बेस पे ही कुछ लोग ज़्यादा उनको एक्सेस होती है अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। एम्प्लॉयमेंट की तरफ आप देखेंगे जिसके पास ज़्यादा पावर होती है वो जाहिर सी बात है इजीली वो जॉब हासिल कर लेते हैं, सिफारिशें करवा लेते हैं, रिश्वत दे लेते हैं, बल्कि एक लेकिन जो एक गरीब का बच्चा है वो ये सब कुछ नहीं कर सकता। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इस तरह से इंसान के हर सेक्टर को अफेक्ट करती है, लाइफ चांसेस को भी अफेक्ट करती है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन टिपिकली इसमें मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स आ जाते हैं। कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, यानी कि माशी तौर पर भी हम लोगों को स्ट्रैटिफाई करते हैं। सोशल फैक्टर्स भी होते हैं, उसके बाद कल्चरल कैपिटल, ठीक है, यानी कि हमारे कल्चर के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि हम लोग उस बेस पे भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को सोसाइटी के अंदर बाकायदा मेंटेन रखा जाता है, और ये मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स के थ्रू रिप्रोड्यूस भी होती है। अब ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोगों की पूरी SOC 101 में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोगों की स्ट्रैटिफिकेशन के हैं, और इसमें से मुख्तलिफ किस्म के कंसेप्चुअल आते हैं। जो पहले वाला जो कोर्स कंटेंट था उसमें भी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को बड़े डिटेल में बताया हुआ था,
मैं अगेन यही कहूँगी कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के आप लोग लेक्चर्स, उन लेक्चर्स को आप लोग सुने ज़रूर, ठीक है। अब उनमें यहाँ पे तो इन्होंने इधर उधर की गप्पें बहुत छोड़ी हुई हैं हैंड आउट में, जो पुराना जो एक लेक्चर्स है ना उनमें सीधा सीधा बताया गया है कि स्कूल में कैसे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रिप्रोड्यूस होती है, फैमिलीज के अंदर कैसे रिप्रोड्यूस होती है, इनहेरिट कैसे होती है, कल्चरल प्रैक्टिसेस इस चीज़ को कैसे रिप्रोड्यूस करती हैं, वहाँ पे इस तरह से बताया हुआ है। आज का ये जो हमारा लेक्चर है ये मैं आप लोगों को आगे हैंड आउट में से पढ़ाऊंगी, आप लोगों को खुद ही पता चलेगा, इधर उधर से उन्होंने गप्पे पकड़ पकड़ के छोड़ी हुई हैं। खैर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को आप लोग मेंटेन रखते हैं और रिप्रोड्यूस कैसे होती है, इनहेरिटेंस के थ्रू ऐसे होती है कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग खुद देखें कि मिडिल क्लास में पैदा होने वाला बच्चा उसको सोसाइटी में कभी भी उसको हाई स्टेटस की नज़र से नहीं देखा जाएगा कि ये कुछ हाई स्टेटस से बिलोंग रखता है। या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, कास्ट अगर आप लोग देखें, कोई भी इंसान जिस कास्ट में पैदा हो जाता है वो उसी कास्ट में ही रहता है, चाहे वो जितना मर्जी जो है ना वो बड़ा आदमी बन जाए, कुछ भी हो, उसकी कास्ट नहीं बदली जाती हमारी सोसाइटी के अंदर। हाँ, ये है, एक ये तरीका होता है आजकल के लोग जब मूव ऑन कर जाते हैं, माइग्रेशन कर जाते हैं कहीं दूसरी तरफ, तो वहाँ पर अपनी कोई दूसरी कास्ट अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये एक चीज़ होती है। बट ऐसा ही होता है कि इसको इसी तरह से मेंटेन रखा जाता है, इसको इसी तरह से रिप्रोड्यूस किया जाता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से सोशल कन्फ्लिक्ट भी होता है, इनइक्वालिटीज़ भी होती हैं। जाहिर सी बात है, ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ अमीर के बच्चों को दी जाएँ, इससे क्या होगा, सोशल कन्फ्लिक्ट तो होगा ना, एक गरीब के बच्चे के दिल में वो बात जाएगी, इससे फिर क्या होगा, सोसाइटी में क्राइम भी बढ़ता है। जो इस हायरार्की में टॉप पे होते हैं उनके पास ज़्यादा पावर होती है, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं एज कम्पेयर टू दोज जो कि इस सारी सीढ़ी में बहुत ज़्यादा एक बॉटम में या सबसे निचले दर्जे में पाए जाते हैं। सोशियोलॉजिस्ट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को स्टडी करते हैं ताकि इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें, इसके काजेज़ क्या हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि इसके अफेक्ट्स क्या हैं और इसके क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। पाकिस्तान में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बहुत सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। क्लास देखा जाए, क्लास की बेस पे भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती है, कास्ट की बेस पे भी होती है, रिलीजन की बेस पे भी होती है, एथनीसिटी की बेस पे भी होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को अफेक्ट करती हैं। आगे हम लोग बात करते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के मुख्तलिफ सिस्टम्स होते हैं। चार सिस्टम्स हमारे आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग स्लेवरी की बात करते हैं। स्लेवरी वो सिस्टम होता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का जिसमें एक इंसान को अपनी मलकियत में ले लिया जाता है और फिर उसको हर तरह से एक्सप्लॉयट किया जाता है। ये ज़्यादातर रेस की या नस्ल की बुनियाद पे ज़्यादातर होता है। अब तो ये चीज़ बहुत कम हो चुकी है लेकिन पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। स्लेवरी यानी कि ग़ुलाम बनाना, ये इंसानों की सोसाइटीज़ में अगर हम लोग तारीख को पढ़ें तो उसमें ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ समझी जाती थी पहले, लेकिन अब मॉडर्न दौर में बहुत सारी कंट्रीज़ में इसको आउट लाउड समझा जाता है, इसको इलीगल समझा जाता है। स्लेवरी का बहुत ज़्यादा तबाहकुन असरात होते हैं किसी भी इंसान की ज़िंदगी के ऊपर जिसको ग़ुलाम बनाया जाता है, उसको आज़ादी से महरूम कर दिया जाता है, उसकी कोई इज़्ज़त नफ्स नहीं रहती, उसके जो बेसिक जो राइट्स होते हैं, उसके जो हकूक होते हैं उससे भी उसको महरूम कर दिया जाता है। स्लेवरी को मेंटेन रखा जाता है वॉयलेंस के थ्रू और कॉर्शन के थ्रू, यानी कि ज़ोर ज़बरदस्ती से और तशद्दुद करके ये जो ग़ुलामाना और अगले बंदे को ग़ुलाम रखना, इस चीज़ को मेंटेन किया जाता है। और जिन लोगों को ग़ुलाम बनाया जाता है उनके पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो इन चीज़ों का मुकाबला कर सकें, इन चीज़ों को रिसिस्ट कर सकें। स्लेवरी अब तो ऑफिशियली अगर देखा जाए तो एबॉलिश हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो स्लेवरी आज भी हमारी सोसाइटी में मौजूद है, लेकिन यह है कि इसकी शक्ल थोड़ी सी जो है ना वो तब्दील हो गई है। इंसानों की स्मगलिंग आज भी होती है, ज़ोर ज़बरदस्ती से काम आज भी करवाए जाते हैं। मुख्तलिफ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे वो आपने देखा होगा न्यूज़ में भी, आप लोगों ने बाज़ दफ़ा आप लोगों ने सुना होगा कि जो ईंटों वाले भट्टे होते हैं ना वहाँ पर ज़बरदस्ती काम कराए जाते हैं, चाइल्ड लेबर गरीब के बच्चों को भी ज़बरदस्ती उनसे काम कराए जाते हैं और उनको मजदूरियां नहीं दी जाती। तो ये क्या है, ये भी तो एक तरफ से स्लेवरी ही है ना। तो इस तरह मतलब स्लेवरी को हम लोग ये नहीं कह सकते, ऑफिशियली तौर पे इस पर बैन लग गया है, लेकिन ये दूसरी फॉर्म्स में आज भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो स्लेवरी इलीगल है लेकिन अभी भी इसको रिपोर्ट किया जाता है, जैसे ज़ोर ज़बरदस्ती से अगले बंदे से जो है वो काम करवाना मुख्तलिफ किस्म के इंडस्ट्रीज में, पर्टिकुलरली ये जो ईंट बनाने वाले जो कारखाने होते हैं, जो भट्टे होते हैं और जो कारपेट मेकिंग सेक्टर्स जहाँ पे कालीने वगैरह बनाई जाती है ना, हाथ से कर बनाने वाला काम होता है वहाँ पे भी। इवन यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगी जो डस्का का जो इलाका है वहाँ पे बच्चे वहाँ पे चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है, वो बच्चे जो है ना वो फुटबॉल बनाते हैं,
क्योंकि वो फुटबॉल बाहर के मुल्क में ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्पोर्ट होता है, जिनमें क्योंकि फुटबॉल को वो सिलाई करते हैं ना, तो उसमें गिरा लगती है, गिरा जितने सफाई से लगी होती है वो जो फुटबॉल होता है ना वो ज़्यादा इम्पोर्ट होता है बाहर के ममालिक में। तो जो बच्चे होते हैं, सॉरी एक्सपोर्ट होता है, तो जो बच्चे होते हैं ना उनकी जो उंगलियाँ होती हैं ना वो बहुत छोटी पतली सी होती हैं, तो वो गिरा बहुत अच्छी लगा लेते हैं, तो इसीलिए उनको चाइल्ड लेबर पे बहुत ज़्यादा रखा जाता है फुटबॉल बनाने के लिए डस्का के इलाके में, और उधर जो है ना आई थिंक उससे सियालकोट की साइड पे या तो उस तरफ जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो रखा जाता है उनको। तो ये आज भी एक तरह से स्लेवरी हमारी सोसाइटी में मौजूद है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अगर हम लोग सिस्टम्स की बात करें तो जो दूसरा सिस्टम है वो है कास्ट। स्लेवरी को हम लोगों ने पढ़ लिया, दूसरा है कास्ट। कास्ट भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का ऐसा सिस्टम है जो कि बाय बर्थ किसी इंसान के साथ टैग लग जाता है, उसको विरासत में ये चीज़ मिलती है। जब भी इंसान इस दुनिया में आता है उसके साथ एक अजाइन कर दिया जाता है कि ये फलां सोशल ग्रुप में पैदा हुआ है, और वही उसी एक सोशल ग्रुप के थ्रू ही उसका स्टेटस और उसका ऑक्यूपेशन डिटरमिन किया जाता है, ठीक है। अब कास्ट टिपिकली ये हिंदुइज्म से ही एसोसिएटेड है, हिंदुओं के ये काम होते हैं कास्ट, और वो ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर वो बिलीव करते हैं। इंडियन सोसाइटी में तकरीबन हज़ारों सालों से ये चीज़ वहाँ पर मौजूद है, पाकिस्तान में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन अब किसी हद तक बहुत ज़्यादा ये चीज़ काम हो चुकी है। पहले अगर हम लोग अपनी सोसाइटी की बात करें, पहले ज़ात से बाहर शादी करना जो है ना वो बिल्कुल गलत समझते थे, और ये हिंदुओं की रस्म है। हिंदू आज भी ज़ात से बाहर शादी नहीं करते। कास्ट सिस्टम हिंदुओं का बनाया हुआ है, मुसलमानों का इनके साथ कोई लेना देना नहीं होता। हमारा दीन हमें ये चीज़ नहीं कहता, लेकिन अब जो है ना हमारी सोसाइटी में किसी हद तक, बहुत हद तक बल्कि जो चीज़ें ना ये काम हो गई है। कास्ट को आप लोग करेक्टराइज कर सकते हैं कि इसमें इंसान के ऊपर जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म की बहुत ही स्ट्रिक्ट सोशल बाउंड्रीज लगा दी जाती हैं, और रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि सिर्फ इंटर मैरिज करनी है, कि ख़ानदान के अंदर और अपनी जैसी ही कास्ट के अंदर ही शादी करनी है, और अगर सोशल इंटरेक्शन यानी कि दूसरों के साथ मेल जोल भी रखना है तो डिफरेंट कास्ट के लोगों के साथ मेल जोल को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि अपनी कास्ट के जो लोग होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन ज़्यादा रखना है, दूसरों के साथ ज़्यादा नहीं रखना। अब कास्ट हायरार्की में भी जो बहुत ज़्यादा बॉटम पे होते हैं, कास्ट भी ऐसी तो कुछ जो कास्ट होती है उनको बहुत छोटा समझा जाता है, कुछ ऐसी कास्ट होती हैं जिनको इज्जत की निगाह से देखा जाता है, तो वो कास्ट जिनको इस डिस्क्रिमिनेशन इसमें बहुत बॉटम पे रखा जाता है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि तफरीक की जाती है और मार्जिनलाइजेशन किया जाता है, यानी कि उनको सोसाइटी में एक किनारे पे धकेल दिया जाता है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, उनके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं सोशल मोबिलिटी में, यानी कि एक तो ये होता है ना कि स्टेटस अचीव करने में, अपने स्टेटस को बेहतर बनाने में, वो भी उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, और माशी तौर पे भी उनके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं। इन सारी मुख्तलिफ किस्म की अब एफर्ट्स तो की जाती हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए, लेकिन अभी भी इंडिया के अंदर और साउथ एशिया के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर अभी भी ये इशू कॉन्टिन्यू है। पाकिस्तान में कास्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में, पर्टिकुलरली जो देहात के जो इलाके होते हैं उनमें, और मुख्तलिफ किस्म के एथनिक ग्रुप्स हमारे पाकिस्तान में पाए जाते हैं जो कि अभी भी कास्ट सिस्टम पे बहुत ज़्यादा उनका गहरा बिलीफ है। तीसरा जो एक सिस्टम होता है दैट इज़ अ स्टेटस। स्टेटस अगर हम लोग देखें तो ये ऐसा सिस्टम होता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का जिसकी बुनियाद होती है सोशल प्रेस्टीज के डिफरेंसेस पे। सोशल प्रेस्टीज का मतलब ये होता है कि सोसाइटी में किसको कितनी इज्जत दी जाती है, किसका कितना नाम है सोसाइटी के अंदर। जिसका नाम बड़ा होता है उसका स्टेटस हम हाई समझते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स पे होता है। जिसके पास ऑक्यूपेशन अच्छा है हम लोग कहते हैं कि ये हाई स्टेटस का बंदा है। जिसके पास एजुकेशन ज़्यादा है हाई स्टेटस है जी उसके पास। लाइफस्टाइल जिसका बेहतरीन है हाई स्टेटस है वो। तो इसमें मुख्तलिफ, लेकिन एक मेन चीज़ जो होती है ना स्टेटस में वो होती है वेल्थ, जो कि यहाँ पर इन्होंने मैंशन नहीं की हुई। आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं मेन स्टेटस को किस बुनियाद पर हम लोग परखते हैं। जिसके पास ज़्यादा दौलत होती है वो उतना ज़्यादा हाई होता है, इलीट क्लास से बिलोंग रखेगा। जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत कम होती है उनको लोअर मिडिल का जो है ना वो स्टेटस लगा दिया जाता है। तो स्टेटस को ज़्यादातर ये जो है ना ऑफन ज़्यादातर जो है ना वो मॉडर्न सोसाइटीज़ के साथ एसोसिएट किया जाता है। जो आजकल की ये जो इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज़ हैं इनके साथ स्टेटस जो है ना वो एसोसिएटेड है। पहले ज़माने में ये स्टेटस वगैरह का कोई तस्वीर नहीं पाया जाता था। ये एक ऐसी सोशल पोजीशन होती है कि जो कि ज़्यादा फ्लूइड होती है। फ्लूइड का मतलब ये है कि देखें एक बंदा अगर उसका ताल्लुक मिडिल है स्टेटस है यानी कि हाई स्टेटस उसका नहीं है तो वो मेहनत करे, बहुत अच्छी वो एजुकेशन हासिल करे, ज़्यादा वो प्रोग्रेस करे तो वो हाई स्टेटस पे जा सकता है। लेकिन कास्ट सिस्टम का ये होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, वो चेंज नहीं कर सकता इंसान चाहे जितना भी बड़ा आदमी बन जाए, लेकिन स्टेटस वगैरह और जो क्लास होती है इस चीज़ को इंसान चेंज कर लेता है। और ये इसकी
जो चेंज करने की जो बुनियाद होती है ना, वो इंसान के अपनी अचीवमेंट के ऊपर और मेरिट के ऊपर होता है। इंसान जितना अच्छा अचीव करेगा उतना ही ज़्यादा उसका स्टेटस अच्छा होता चला जाएगा। स्टेटस मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के ऊपर जो है ना वो बेस करती है। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो क्राइटेरिया रखा जाता है किस बेस पे आप लोग स्टेटस असाइन करते हैं, वेल्थ की बेस पे, एजुकेशन की बेस पे, ऑक्यूपेशन की बेस पे और कल्चरल कैपिटल की बेस पे, इन सारी चीज़ों पे आप लोग स्टेटस असाइन करते हैं बंदे को। अब इस स्टेटस में भी यही है कि इस हायरार्की में जो टॉप पे होगा उसके पास ज़्यादा एक्सेस होगी सोशल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज की तरफ, और उसके पास ज़्यादा पॉलिटिकल पावर होती है, उसके पास ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। स्टेटस भी ऐसा ही है कि मुख्तलिफ किस्म के सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि इसको री इन्फोर्स करवाते हैं, जैसे मीडिया है, कल्चरल प्रैक्टिस है, यानी कि हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं, रस्म व रवाज ऐसे होते हैं, और मीडिया भी है जो कि स्टेटस को बहुत ज़्यादा री इन्फोर्स करता है, यानी कि बजाय इसको कि इस स्ट्रेटिफिकेशन को ख़त्म करे इस चीज़ को और ज़्यादा हवा देता है। स्टेटस को आप लोग मुख्तलिफ किस्म की पोसेशंस के साथ या ऑक्यूपेशंस के साथ आप लोग इसको एसोसिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डॉक्टर है क्योंकि ये ऑक्यूपेशन बहुत अच्छा है तो आप लोग उसको हाई स्टेटस में समझेंगे। लॉयर्स जो होते हैं या जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स होते हैं तो ऑक्यूपेशन की बेस पे आप उनके जो है ना वो आप लोग स्टेटस एसोसिएट कर देते हैं। स्टेटस को ज़्यादातर सोशल मोबिलिटी के साथ भी लिंक किया जाता है। यानी सोशल मोबिलिटी का मतलब ये क्या होता है कि इंसान के अंदर ये जो एबिलिटी होती है ना कि सोशल लेडर में मूव कर सके अप या डाउन, यानी कि एक तो इंसान है ना कि प्रोग्रेस करेगा, स्टेटस हाई स्टेटस पर चला जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जो कि निकम्मे होते हैं, वो अगर उनके बाप अरबों की जायदाद भी छोड़ दें तो आयाशियों में गुजारें तो वो भी उस लेडर में कम पे भी आ सकते हैं, मिडिल क्लास में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है ये जो सोशल लेडर में जो अप और डाउन मूवमेंट होती है ना, ये इंसान की अपनी अचीवमेंट के ऊपर और एफर्ट के ऊपर डिपेंड करती है। पाकिस्तान में स्टेटस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में, स्पेशली ये जो अर्बन एरियाज होते हैं, शहरी इलाके, वहाँ पे स्टेटस बहुत ज़्यादा देखा जाता है, अपर और मिडिल क्लासेस ये देखी जाती हैं। अभी आप लोगों के एक एमसीक्यू, आप लोगों ने ये चीज़ डिस्क्रिमिनेट रखनी है कि जो कास्ट सिस्टम होता है वो ज़्यादा देहातों के अंदर होता है, लेकिन जो स्टेटस सिस्टम होता है ये ज़्यादा शहरों के अंदर होता है, ठीक है। ओवरऑल मैं आप लोगों को बताऊँ, पीपीटीज में आप लोगों को इसीलिए पढ़ाती हूँ कि पीपीटीज में से एक एक पॉइंट में से आप लोगों का एमसीक्यूज बन सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को पीपीटीज पढ़ाती हूँ। और इससे ये होता है कि आपकी पहले एक बेसिक डेफिनेशंस आप लोगों को पता चल जाती हैं, एंड पे फिर जो मेन बच्चे, इसीलिए मैं आप लोगों को हैंड आउट पढ़ाती हूँ क्योंकि बच्चे उसको हैंड आउट को देख के परेशान हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं शॉर्ट शॉर्ट करके ना वो आप लोगों को समझा दिया करूँगी। चौथा जो एक और सिस्टम होता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का, वो होता है इस्टेट। इस्टेट वो सिस्टम होता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का जिसकी बुनियाद होती है कि किसके पास कितनी दौलत है या कितनी ज़मीन है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की क्लासेस और ग्रुप्स को आप लोग इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं। ये पहले ज़माने में ज़्यादातर ऐसे होता था जो प्री मॉडर्न सोसाइटीज़ होती थी, जहाँ पर जागीरदाराना निज़ाम हुआ करता था, जहाँ पर सोशल पोजिशन डिटर्मिन कर दी जाती थी बाय बर्थ और इनहेरिटेंस, यानी कि वो लोग जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी उनको कमी कहा जाता था, ठीक है, ऐसा ही है ना, और जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी वो जागीरदार हुआ करते थे। तो ये इस्टेट सिस्टम होता था। इस्टेट को आप लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं, ये भी बहुत ही रिजिड एक क्लास स्ट्रक्चर होता था, इसमें भी इंसान सोशल मोबिलिटी नहीं कर सकता था, लोअर लेवल पे हाई लेवल पे बंदा नहीं जा सकता था। जो हायरार्की के टॉप पे होते थे उनके पास पावर होती थी, उनके पास सारे इन्फ्लुएंसेस होते थे, और बॉटम में रहने वाले लोगों के ऊपर वो जिंदगियों पे वो असरअंदाज होते थे। स्टेट को आप लोग ज़्यादातर एसोसिएट करते हैं कि इसमें माशी तौर पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लाइटेशन होती है, दूसरों को एक्सप्लॉयट किया जाता है, यानी कि जैसे जागीरदार होते थे तो वो किसानों के ऊपर जुल्म वगैरह करना, जो है ना उनको एक बुरी तरह से ट्रीट करना। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पे स्टेट सिस्टम को आप चेंज कर दिया गया है ज़्यादा मॉडर्न फॉर्म में। अब तो ये है ना कि पहले स्टेट सिस्टम होता था लेकिन अब क्लास बेस्ड सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है। पाकिस्तान में स्टेट सिस्टम की एक तारीखी तौर पे बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट समझा जाता है, देही इलाकों के अंदर अभी भी ये चीज़ मौजूद है, देहातों के अंदर ख़ास तौर पे जहाँ पे लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा ज़मीनें होती हैं और उनके जागीरदाराना निज़ाम वहाँ पर अभी भी मौजूद है, वहाँ पर स्टेट सिस्टम अभी भी पाकिस्तान में प्रिवेल करता है। तो ये हमारे पीपीडीज, अब हम लोग अपने हैंड आउट की तरफ चलते हैं। हैंड आउट में यही है कि सबसे पहले उन्होंने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में बताया है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है।
सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग पीपल इनटू ग्रुप्स, यानी कि लोगों को ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई करने का ऐसा सिस्टम बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव वेल्थ स्टेटस एंड पावर, जिसकी बुनियाद आप वेल्थ स्टेटस या पावर के ऊपर रखते हैं, उसको आप लोग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के ऊपर जोर देना, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किसी स्पेसिफिक लोगों के ऊपर ही अप्लाई होती है। असल में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्यों होती है, हमारी सोसाइटी के अंदर ग्रुप इंडिविजुअल्स को बड़े बड़े ग्रुप्स के अंदर ऑर्गेनाइज करना, ताकि आसानी से उनको जो है ना वो एक तरह से समझा जाए, ठीक है। तो इसीलिए जो है ना वो हम लोग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं। अच्छा, जेंडर एक बुनियाद रही है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की। ये तकरीबन आप दुनिया की हर कम्युनिटी में अभी भी ये चीज़ जारी है, जेंडर की बेस पे, मेल और फीमेल होने की बेस पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की जाती है। लोगों को सोसाइटी के किन चीज़ों की तरफ कितनी एक्सेस देनी है या देनी भी है या नहीं देनी, ये डिपेंड करता है जेंडर के ऊपर। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे फीमेल एक्सेस हासिल नहीं कर सकती, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे मेल नहीं एक्सेस हासिल कर सकते, तो ये भी एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ही होती है। आगे यहाँ पे स्लेवरी सिस्टम के बारे में उन्होंने बताया। स्लेवरी सिस्टम कोरिया में ज़्यादातर पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, जो गुलाम होते थे उनको उनके जो आका होते थे रोमन्स और अफ्रीकन्स और जो ग्रीक्स यानी कि यूनान के लोग, ये गुलाम बनाया करते थे। और जो गुलाम होते थे वो फिर मजदूरियां करते थे इसमें यूनान में भी और रोम में भी। और फिर कभी कभार ऐसा भी होता था कि लोगों को पॉलिटिक्स में या आर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आज़ाद भी कर दिया जाता था। स्लेवरी बहुत ज़्यादा हाई रही है एग्रेरियन कम्युनिटीज़ के अंदर। एग्रेरियन कम्युनिटीज़ वो होती हैं यानी कि वो पुराने ज़माने में जो लोग होते थे ना, कि सिर्फ शिकार करके, यानी कि जब अभी एग्रीकल्चर का कोई रुझान नहीं था, इंसान को नहीं पता होता था कि एग्रीकल्चर क्या होती है, उस वक़्त इंसान यही बस जंगली पत्ते और फल वगैरह खा के गुजारा किया करते थे। और जो बहुत ही लोवेस्ट अमंग नुमैड्स वो होते हैं जो कि ये शिकार वगैरह करके ना उनके ऊपर वो अपनी खुराक वहीं से हासिल किया करते थे, तो उनमें से स्लेवरी सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉमन रहा है। स्लेवरी के काजेज क्या क्या होते हैं, ये चीज़ आप लोगों की पीपीटीज में नहीं थी और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तीन फैक्टर्स होते हैं स्लेवरी के पीछे। गुलाम बनाना, ये रेस की बेस पे नहीं होता कि अगर किसी की नस्ल अगर छोटी है तो बस उसको गुलाम बना लिया, ऐसा नहीं होता। तीन फैक्टर्स होते हैं, एक होता है डेब्ट यानी कि कर्जा। कुछ ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे कुछ लोग कर्जा लेते हैं लेकिन उनके पास इतनी गुंजाइश नहीं होती कि वो कर्जा अदा कर सकें, तो फिर वो क्या करते हैं, खुद को गुलामी में बेच देते हैं कि हमने आपका जितना पैसा देना है आप उतना अरसा हमें अपनी जो है ना वो गुलामी में रखें, हम आपके काम कर दिए करेंगे। दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है क्राइम, यानी कि इसमें ये होता है कि स्लेव जैसे भी बनाया जाता है, गुलाम ऐसे भी बनाया जाता है कि एक इंसान है अगर उसने किसी दूसरी फैमिली के किसी बंदे को जो है ना वो मर्डर कर दिया है, तो वो जो विक्टिम फैमिली है जिनका बंदा कत्ल हुआ है वो क्या करते हैं कि कातिल की बहन मांग लेते हैं, ठीक है, और फिर सारी ज़िंदगी उसके ऊपर जो है ना वो जुल्म करते हैं। तो ये क्या होता है कि उसकी बहन को वो गुलाम की तरह ही रखते हैं, स्लेव बना लेते हैं, ठीक है। तो ये स्लेवरी क्राइम की वजह से भी होती है। तीसरा एक और फैक्टर होता है वॉर, यानी कि जंग में जिन लोगों को शिकस्त हो जाती है ना तो उनको पकड़ के गुलाम बना लिया जाता है, ठीक है। तो ये वार वाला एक फैक्टर, यानी कि ये तीन मेन फैक्टर होते हैं जो कि स्लेवरी की वजह बनते हैं। एक हिस्टोरियन है गैरदा लर्नर, वो ये कहते हैं कि सबसे पहला जो इंसान, जो पहला जो इंडिविजुअल जो गुलाम बना था वो एक औरत ही थी, ठीक है। और इसमें हमेशा अभी भी कुछ ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे झगड़े में हमेशा औरत को फिर गुलाम बना दिया जाता है, वो क्या कहते हैं उसको वर्नी देने का या इस तरह का कुछ सीन। सिंध में काफ़ी ऐसा पहले हुआ करता था लेकिन अब आई थिंक सो कि ये चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। कि इसमें यही होता था कि जब दो ग्रुप्स के दरमियान में जब झगड़ा होता था तो जो उन झगड़े में हमेशा औरत को ही फिर सेटलमेंट के लिए जो है ना वो गुलाम बना दिया जाता था। फिर औरत के साथ क्या होता था, सेक्सुअल एक्टिविटीज़, प्रोक्रिएशन, उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाना, ये सब कुछ होता था। स्लेवरी फिर ग्रीस में यानी कि यूनान में बहुत ज़्यादा प्रीवेलेंट रही है तकरीबन कोई 2000 और 500 साल पहले, जब वहाँ पे उस वक्त ग्रीस कोई मुल्क नहीं होता था, बस वैसे ही छोटी छोटी सिटीज़ का एक कलेक्शन हुआ करता था। तो वो जो सारी सिटीज़ होती थी ना वो एक दूसरे के ऊपर हमला करती थी, तो जिस सिटी को शिकस्त होती थी तो जीतने वाली सिटी उस सिटी के लोगों को अपना गुलाम बना लिया करती थी। तो ग्रीक्स जो थे ना इस तरह से यूनान में कुछ लोग ओनर्स थे और कुछ लोग जो है ना वो स्लेव्स थे। फिर अगर हम लोग रोम की बात करें तो रोम में भी इसी तरह से था कि रोम ने बहुत ज़्यादा डोमिनेंस हासिल की थी पूरे मेडिटेरेनियन रीजन के ऊपर तकरीबन 8 से 2000 साल पहले,
और वहां पे उन्होंने यूनान के लोगों के ऊपर कब्जा भी किया था। तो जिन लोगों को फिर उन्होंने डिफीट किया था, तो उस वक्त उनका जो रस्म और रवाज था उसके मुताबिक उन्होंने उनको स्लेव बना लिया, यानी कि गुलाम बना लिया। कुछ जो उनमें से स्लेव थे वो जो कि ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे होते थे, तो फिर क्या करती थी कि फैमिलीज उनको अपने बच्चों के लिए टीचर रख लिया करती थी। उन गुलामों को उनका काम यही उनको देते थे कि आपने हमारे टीचर्स को पढ़ाना, हमारे बच्चों को हमने पढ़ाना है, ठीक है। तो रोमन फैमिलीज उनको एज ए टीचर भी रख लेती थी। तो स्लेवरी को अगर हम लोग यहाँ पे, मैं आप लोगों को समराइज करके बताऊं, तो स्लेवरी तीन चीज़ों का सिंबल है। एक होता है डेप्ट यानी कि कर्जा, या क्रिमिनलिटी, या फिर मिलिट्री लॉस यानी कि जंग के मैदान में शिकस्त होगी तो वहाँ पे स्लेवरी होगी। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि काजेज हैं स्लेवरी के। कंडीशंस क्या क्या होती हैं स्लेवरी की, यानी कि जब किसी को गुलाम बनाया जाता है तो उसके पास, उसके साथ किस किस्म का सलूक किया जाता है, किस किस्म की कंडीशंस रखी जाती हैं। अच्छा, ये तो हमें पता है कि उनके साथ बुरा तो सलूक होता है, लेकिन हर 50 साल के बाद जो इसराइल के जो लोग हैं उनका एक जुबली ईयर आता है, और वो उस साल में सारे गुलामों को वो आज़ाद भी करते हैं। रोम को अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे जो गुलाम होते हैं उनको ऑप्शन दिया जाता है कि वो अपनी आज़ादी को खुद खरीद लें, यानी कि उनको बता दिया जाता है कि आपकी इतनी प्राइस है। तो गुलाम ने फिर क्या करना होता है कि उतने पैसे दे के खुद को छुड़वा लेना होता है, या फिर गुलाम ऐसे भी करते हैं कि दूसरों को पैसे दे के अपनी सर्विसेज, अपने काम उनसे करवा लेते हैं। तो ज़्यादातर वैसे तो ये देखा जाता है कि जो स्लेवरी होती है, जो गुलामी होती है ना, ये एक परमानेंट चीज़ होती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती। ख़ास तौर पे उन सिचुएशंस में जहाँ पे अगर किसी को पूरी जो है ना वो उम्र कैद सुना दी जाए, तो उस वक्त जो है ना उनको फिर पूरी ज़िंदगी तक, यानी कि टिल द डेथ, उनको जो गुलाम रखा जाता था और जब तक उनको मौत नहीं आती थी तब तक उनसे जो है ना वो काम करवाए जाते थे। अगर हम लोग स्लेवरी की बात करें तो ये कोई डाउनेबल ट्रेड, पास डाउनेबल ट्रेड नहीं है, यानी कि ये नस्ल दर नस्ल नहीं चलती। ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये हमेशा जो गुलामी होती है ये नस्ल दर नस्ल चलती है। ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ द टाइम ऐसा रहा है कि जो गुलाम होते थे उनके बच्चे भी आगे से गुलाम होते थे, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जो बच्चे होते हैं जो कि यानी कि वो जो ऐसे होता है ना कि कुछ गुलाम ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही अमीर फैमिलीज के लिए काम कर रहे होते हैं, तो फिर उन गुलामों के जो बच्चे होते हैं ना वो अमीर फैमिली के बच्चों के साथ खेलते कूदते हैं, ऐसा करते हैं। तो वो जो अमीर फैमिलीज होती हैं उनको अपने बच्चों की तरह की ही तालीम देना, उनको इस तरह से सेटल करते हैं जैसे कोई बच्चा उनके अपने घर का ही फर्द हो। तो इस तरह से देखा जाए तो जो गुलाम का जो बच्चा होता है ना वो फिर उनको एक तरह से अमीर फैमिलीज उनको अडॉप्ट कर लेती हैं। तो गुलामों के जो बच्चे होते हैं ये पुराना, अगर हम लोग कदीम मैक्सिको की बात करें तो वहाँ पर हमेशा गुलाम के बच्चों को आज़ाद कर दिया जाता था। अब यहाँ पे ये भी सवाल पैदा होता है कि कुछ ऐसे कहते हैं कि जो स्लेव्स होते हैं वो हमेशा हेल्पलेस होते हैं, कोई उनकी हेल्प नहीं करता, बेजारो मददगार होते हैं, बदकिस्मत होते हैं। ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि जो स्लेव्स होते हैं उनके पास पावर नहीं होती, उनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी भी सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे स्लेव्स के पास, अपने पास उनके पास अच्छी खासी उनके पास वेल्थ होती है, उनके पास पोजीशंस होती हैं, उनके पास अथॉरिटी भी होती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, वैसे ये बहुत ज़्यादा रेयर केस है, लेकिन जो गुलाम होते हैं उनको आज़ाद कर भी दिया जाए फिर भी वो खुद को अपने आका का गुलाम ही ज़िंदगी भर समझता है। पैसे भेजना अपने ओनर की तरफ बाद में, और इवन के खुद को अपनी मर्जी से ही जो है ना वो स्लेव समझता है पूरी ज़िंदगी। वैसे ये चीज़ एक अनकॉमन है, बहुत ज़्यादा रेयर पाई जाती है। कास्ट सिस्टम अगर हम लोग बात करें, ये एक एस्क्राइब्ड पोजीशन होती है। देखें एस्क्राइब्ड पोजीशन का क्या मतलब होता है, दो तरह की पोजीशंस होती हैं, एक होती है अचीव्ड और एक होती है एस्क्राइब्ड। अचीव वो होती है मेहनत करके जो पोजीशन, जो मकाम आप लोग खुद बनाते हैं वो अचीव होती है, और एस्क्राइब्ड वो होती है जिसमें आपका कोई अमल दखल नहीं होती है, बाई बर्थ आपके साथ वो चीज़ जुड़ जाती है। तो सोशियोलॉजी के मुताबिक जो कास्ट है वो भी एक एस्क्राइब्ड पोजीशन होती है जो बाई बर्थ आपके साथ जुड़ जाती है। जो किसी भी बंदे की जो पोजीशन होती है सिस्टम के अंदर वो दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकता, चाहे उसका अचीव स्टेटस कुछ भी बन जाए, चाहे वो जितना बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए, उसकी कास्ट कभी भी चेंज नहीं होती। बाकी ये जो मैं आप लोगों को वही सिर्फ यहाँ पे नहीं पढ़ा रही जो आप लोगों की पीपीटीज में था, मैं सिर्फ मेन मेन बता रही हूँ क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। अच्छा, इंडिया का अगर हम लोग रिलीजियस कास्ट की बात करें तो इंडिया का कास्ट सिस्टम रिलीजन की बेस पे होता है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको 1949 में इसको ख़त्म भी कर दिया था, लेकिन फिर भी हज़ारों सालों से उनके ये रिवाज चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से इस चीज़ से एक छुटकारा हासिल करना तो अभी भी मुमकिन नहीं है। तो अपनी शादियों में, बर्थ में, फनरल्स में, हर जगह उनकी जो ये जो कास्ट होते हैं ना इसके हिसाब से ही उनके सारे रस्म और रवाज होते हैं। इवन के जो अपर कास्ट के लोग होते हैं
उनको तो वो एक अछूत वाला भी तस्वर होता है कि ये लो कास्ट के बंदे हमें टच भी ना करें। साउथ अफ्रीका की अगर हम लोग एग्जाम्पल लें तो साउथ अफ्रीका में गवर्नमेंट, पुलिस और मिलिट्री ये यूरोपियंस के हाथ में होती है, जिसको अफ्रीकनर्स कहा जाता है। इनके पास इतनी ज़्यादा अथॉरिटी होती है कि ये रेशियल सेग्रीगेशन के ऊपर, यानी कि नस्ल की बेस पे इतनी ज़्यादा वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, एक लेयर्स बना देते हैं जिसको अपार्टेड कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हर किसी को उधर साउथ अफ्रीका के अंदर हर किसी को चार में से किसी एक ग्रुप के अंदर जो है ना उसको असाइन किया जाता है, यानी कि एशियंस, कलर्स, यूरोपियंस और ब्लैक्स। यूरोपियंस वो होते हैं जो गोरे होते हैं, एशियंस जो आप लोगों को पता है जो एशिया से ताल्लुक रखते हैं, ब्लैक्स जो कि अफ्रीका के अपने रहने वाले होते हैं। ये जो डिवीजन्स होती हैं इसके मुताबिक ही फिर इंसान को काम वगैरह दिया जाता है। अब ये डिवीजन कौन है करने वाले, जाहिर सी बात है यूरोपियन है ना, क्योंकि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि सारी अथॉरिटी यूरोपियंस के हाथ में है। तो यूरोपियंस क्या करते हैं कि अपने गोरों को हमेशा आगे करते हैं और जो ब्लैक होते हैं उनको हमेशा साइड पे धकेल देते हैं। एशियंस के साथ उनका जो बिहेवियर ना वो ज़्यादा बुरा नहीं होता। ठीक है, अब कई साल तक ये वाला रिवाज चलता रहा, लेकिन बाद में फिर अफ्रीकनर्स जो थे उन्होंने इस कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना शुरू किया था 1990 में। फिर एक ब्लैक मैन जो है नेल्सन मंडेला, इवन कि फिर वो प्रेसिडेंट भी बने थे 1994 में। फिर उसके बाद इनको जो है ना ब्लैक जो थे उनको ये एलिजिबल करार दे दिया गया कि वो भी वोट दे सकते हैं, ऑफिसेस में काम कर सकते हैं। और लेकिन उस वक्त ये था कि ब्लैक पीपल्स के साथ इतनी ज़्यादा नाइंसाफियाँ हुई थी कि वो टोटली अभी तक जाहिल हैं, एक तो वो गरीब भी हैं, तो जो वाइट है ना वहाँ पे वो भी उनका पूरा जो है ना वो कंट्रोल है सोशल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर और नेशन के ऊपर। तो जो ब्लैक हैं वो अभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते हायर एजुकेशन को और अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाना या इस तरह से, और वो बहुत ज़्यादा उनका लिमिटेड यूज़ है इन सारी चीज़ों के अंदर। आगे हम लोग स्टेटस सिस्टम की बात करते हैं तो सोशल स्टैंडिंग एक फ्लेक्सिबल होती है, डिपेंड करती है इंसान के अंदर सक्सेस और मेरिट के ऊपर। ये सारा कुछ वही है जो हम लोग PPTs में पढ़ चुके हैं, ये मैं आप लोगों को मजीद नहीं पढ़ाऊंगी। स्टेट सिस्टम की बात करते हैं, यूरोप ने स्टेट स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम ही क्रिएट किया था मिडिल एजेस के दौरान। आप लोगों के MCQs के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन तरह के स्टेट्स या ग्रुप्स होते हैं, एक होते हैं नॉबल्स, एक होते हैं क्लर्गी और एक होते हैं ऑर्डिनरी पीपल। स्टेट सिस्टम की बात कर रही हूँ मैं। इसमें जो नॉबल्स होते हैं ये वो होते हैं जो शरफा माने जाते हैं, बहुत अमीर होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत होती है, बहुत ज़्यादा इनके पास ज़मीन होती है। ठीक है, ये फार्मिंग के लिए दूसरे छोटे तबकात से लोगों को जो है अपने पास रखते हैं, और इनका बस यही होता है कि इन्होंने सिर्फ चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी होती है, ख़ुद को इतना मजदूरी वाला काम वो चीज़ नहीं करते। दूसरा जो तबका होता है ना स्टेट सिस्टम के अंदर वो होते हैं क्लर्गी। क्लर्गी का मतलब होता है ये जो पादरी होते हैं जो कि चर्च की देखभाल करते हैं, और ये एक बड़ी पॉलिटिकल फोर्स रही है चर्चेस जो होते हैं ना ये, इवन के लैंड से रिलेटेड, इवन के जब भी कोई बादशाह जो है वो बनाना होता था तो वो इन्हीं पोप की जो इनके जो पादरी होता था उनकी परमिशन से ही बनाया जाता था, और उसके बाद उनकी जो है ना वो तख्त पोशी की जाती थी। इनमें एक और यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है, दैट इज़ अ प्राइमोजेनिचर। प्राइमोजेनिचर ये होता है कि जो नोबल्स होते थे उनके यहाँ जो पहला बेटा पैदा होता था वो अपनी लैंड, अपनी ज़मीन जो है वो उन्हीं को, उसी एक बेटे को देते थे, और बाकी जो उनके जो फैमिली मेम्बर्स में जो दूसरे जो बेटे होते थे उनको क्लर्गीशिप की तरफ, यानी कि पादरी बना दिया जाता था, क्लर्गी मैन उनको जो है ना वो बना दिया जाता था। तीसरा जो तबका होता है स्टेट सिस्टम में वो होते हैं ऑर्डिनरी पीपल। ये एक तीसरा हिस्सा होता है, इनका मेन यही काम यही होता था इनका कि जो नोबल होते हैं ना वो ऑर्डिनरी पीपल को यूज़ करते थे अपनी ज़मीनों के लिए। ठीक है, और इनमें जो इनकी जो स्लेव्स यानी कि उनको बना लिया जाता था गुलाम, इन्हीं को ऑर्डिनरी पीपल को ही बना लिया जाता था। और इसमें से अगर कोई बहुत ज़्यादा अगर कोई जंगजू निकलता या बहुत ज़्यादा बहादुर निकलता था तो फिर उसको स्लेवरी से आज़ादी दे दी जाती थी। अच्छा, अगर हम लोग औरत की बात करें कि स्टेट सिस्टम के अंदर औरत का क्या मुकाम था, तो जाहिर सी बात है जो इंसान जो उसके हस्बैंड का मुकाम होता था वही औरत का मुकाम होता था। हस्बैंड स्टेट की किस लेयर से ताल्लुक रखता है, औरत भी उसी लेयर से ही ताल्लुक रखती थी। इसमें वो औरतें जो कि पहली स्टेट से ताल्लुक रखती हैं यानी कि नोबल की कैटेगरी में आती थी, वो कोई भी काम करना, अपने हाथ से काम करना बिल्कुल अपने लिए जो है ना वो तुहीन समझती हैं। उनका सिर्फ एक यही काम होता था कि स्टाफ को और बच्चों को सुपरवाइज करना, खुद काम नहीं करती थी। ठीक है, और जो ऑर्डिनरी पीपल यानी कि तीसरा जो तबका आता है ना स्टेट के अंदर, वहाँ उनकी जो है ना औरतें उनसे वो काम करवाती थी।
रोमन कैथोलिक की अगर बात करें तो वहां पे जो क्लर्की मैन होते हैं वो तो शादी करते नहीं थे, तो जो नंस होती हैं उनका जाहिर सी बात है कि वही उनकी स्टेट उनकी वही होती है जो कि उनके शौहर की होती थी। तीसरा जो है स्टेट वाइफ जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा मेहनत करना बिल्कुल वैसा ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा मेहनत जैसे उनके हस्बैंड करते थे वैसे ऑर्डिनरी पीपल की जो एक कैटेगरी आती है थर्ड स्टेट के अंदर इनकी वाइफ भी सेम वैसे ही होती थी। इनको भी वही सारे मुश्किलात होती थी जैसे उनके हस्बैंड को होती थी, फिजिकल लेबर करती हैं, खुराक की कमी होती है, इवन इनको ये भी डर रहता है कि कोई अपर क्लास का बंदा उनकी इज्जत के साथ जो है ना वो कुछ करे नहीं। और कुछ ऐसे ज़्यादातर ऐसा होता भी है कि जो नोबल कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले होते हैं ना वो अट्रैक्ट हो जाते हैं इस थर्ड कैटेगरी की औरतों की तरफ, वो फिर उनसे शादी कर लेते हैं। तो ये जो थर्ड कैटेगरी की जो औरतें होती हैं इस तरह से वो फर्स्ट स्टेट में दाखिल हो जाती हैं, लेकिन ये ज़्यादातर अनकॉमन ही होता है। ये आगे वुमेन स्टेट सिस्टम, ये सारा वही रिपीट हो रहा है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। आगे यहाँ पे क्लास सिस्टम बताया हुआ है, हमने देखा है कि कास्ट, स्टेट, स्लेवरी बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन ये सारी स्ट्रिक्ट होती हैं, ये इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। ठीक है, स्टेट भी अगर बात करें ना तो इंसान जिस लेयर में पैदा हुआ है उसको वो चेंज नहीं कर सकता, कास्ट को भी इंसान चेंज नहीं कर सकता, स्लेवरी की बेस पर जो स्ट्रेटिफिकेशन होती है उसको भी इंसान चेंज नहीं कर सकता। जो बाकी ये जो हम लोग ने तीनों स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं उसमें इंसान एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में माइग्रेट नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज होती हैं, लेकिन जो क्लास स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल होता है। आप लोगों की MCQs के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंसान क्या करता है, क्लास सिस्टम में इंसान पैसा कमा के चीज़ें हासिल करके अपना क्लास चेंज कर सकता है, कोई और मतलब हाई क्लास में जा सकता है। तो इंसान अगर पैदाइशी तौर पे जिस स्टेटस में पैदा हुआ होता है अपने जो उसके पेरेंट्स की जो क्लास होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो टिल द डेथ उसी में रहे, अपनी लाइफ की सक्सेस और फेलियर्स की बेस पर अपनी क्लास को चेंज भी कर सकता है। सोशल मोबिलिटी और जो क्लास लेडर क्लाइंबिंग ये पॉसिबल होती है सिर्फ और सिर्फ क्लास स्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज़्यादा पॉसिबल होती है कि इंसान तरक्की कर सकता है, सोशली मोबिलाइज कर सकता है। बाकी की जो सिस्टम्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसमें इंसान अपनी स्टेटस को चेंज नहीं कर सकता। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 21, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, हैंड आउट को एक दफ़ा सिर्फ आप लोगों ने रीड करना है बस, उसके बाद आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, आप लोगों को सारे के सारा माइंड में बैठ चुका होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आगे शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने के लिए एंड मज़ीद लेक्चर्स के लिए भी हमारे साथ रहिए एंड अल्लाह हाफिज़।